हेलो आई एवरीवन एवरीवन होप इज डूइंग गुड सब ठीक ठाक होंगे मज़े में होंगे भले चंगे होंगे टुडे इज संडे और आज है ट्वेंटी एट्स में और इस बच्चे की बर्थडे है सिटिंग बिहाइंड एंड नॉट फीलिंग वेल और हमने कोई सेलिब्रेशन नहीं की थी सो वी थॉट कि आज जो है ब्रंच कर संडे ब्रंच कर लेते हैं और वहीं इसकी जो है बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे सो लेट्स गो चेकआउट के हम संडे ब्रंच के लिए कितने जा रहे हैं एनी थिंग एन आई यू वॉन्ट टू से

कर था ना गायडर फ्रूट हमें खाना मिल गया और पता नहीं क्या आई फ्राइज है लेकिन मजे के लगते हैं ये मैंने एक बेगन ऑर्डर किया है और बेटी वन सी बैठी है ये ब्रेड आई है ये मेरे अपुन ने ऑर्डर किया है मम्मा ने ऑर्डर किया मम्मा ये बैठी हुई और ये ऑर्डर किया है और ये बर्थडे बॉय ने आज किया है ऑर्डर पैनकेक्स एज यूजल जो उसकी फेवरेट चीज़ है, है सो तो मैं अभी ये खाती हूँ आप लोग टेस्ट करती कर ली हैम और अब मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी कुछ समर्स के ड्रेस डिजाइन जो कि बहुत ही सिंपल एलिगेंट और प्रिंटेड uh, सूट्स हैं कुछ एम्ब्रॉड सूट हैं सो लेट्स बिगे विद द वीडियो बाकी की वीडियो देखें इन्जॉय करें जो सबसे ज्यादा आपको डिज़ाइन पसंद आए Uh, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अरसान इज़ नॉट फेलिंग वेल सिंस लास्ट टू डेज़ मेरे भी गले में कुछ कुछ पेन है उसकी रीज़न क्या है कि मैंने ना दो दिन पहले आई थिंक फ्राइडे को अपने घर पर पेस्प्रे कराया था जिसको जो है इसी वीडियो में उसके क्लिप्स भी मैं ऐड करती हूँ भी आगे तो स्प्रे का मैं इसलिए कराया था कि काकरोच ये जो एंडस होती हैं और जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं ना आ, वो सारे घर से समर में बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं आने कॉकरोच कैबिनेट्स में किचन में वॉशरूम्स में एवरीवेयर यू कैन फाइंड कॉकरोच निकल आते हैं उसके अलावा जो है फिर ये जो एंडस होती हैं जो जरा सा भी है, जो ज़र्रा है वो भी नीचे गिरे चावल का या कोई खाना भी ना ढेर लग जाता है चेंटियों का या एंड्स को जो भी आप अपनी ज़ुबान में उनको कहते हैं तो उसके लिए मैंने ना फिर स्प्रे कराया फ्राइडे को फ्राइडे नाइट में डिनर भी था दिस इज़ अ वे वी यूज टू सेलिब्रेट हम जाके कहीं अच्छा सा डिनर कर लेते हैं आज इस दफ़ा हमने ब्रंच किया बिकॉज uh, कल रात को हम एट जस्ट टोल्ड यू की अरजान को फीवर था सो तो वी तो वर नॉट एबल टू गो एनी वे अदरवाइज वी कैन फ्राइडे सैटरडे नाइट में हमारा प्र, 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 प्लान था कि जाके कहीं पर केक ले जाएंगे और वहीं बैठ के हम डिनर कर लेंगे और केक कट कटिंग सेरेमनी भी कर लेंगे बट अरजान की तबीयत की वजह से हम कहीं भी नहीं गए वर एट होम लास्ट नाइट और अभी भी उसको फ्लू और फीवर वो अब एंटीबायोटिक्स मैंने स्टार्ट करा दी हैं तीन पेपर्स रह गए हैं बस खैरियत खेर से लास्ट के तीन पेपर्स भी ख़त्म करा दें वीडियो गपशप में बहुत लंबी हो जाएगी बातें बहुत हैं और वीडियो का टाइम बहुत शॉर्ट होता है सो तो... आपको मैं कुछ ड्रेस डिजाइनिंग दिखाती हूँ ड्रेस के डिजाइन सिखाती हूँ समर्स के लिए क्योंकि ईद भी आने वाली है आप इनमें से कोई भी डिजाइन यूटिलाइज करके अपने ईद का ड्रेस भी बना सकते हैं और नॉर्मल कैजुअल अगर आप समर में ड्रेस बनाना चाहें तो उनके लिए भी ये डिज़ाइंस बहुत ही अमेजिंग है सो चले चलते हैं वीडियो की तरफ अगेन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियो इन्फॉमे आपको मिलती रहे सो हेयर इज़ अ ड्रेस नंबर वन दिस इज अ आउटफिट जो कि ड्रेस नंबर वन है यहाँ पे ब्लैक कलर का अब इसकी मैं डिटेलिंग आपको दिखाती हूँ ये तो एम्ब्रॉड पैच इसके साथ ही आया था एज एट इज़ बस उसमें ये किया कि ये बटन्स एड किए हैं एम्ब्रॉड पैच जो है वो यहाँ पे एम्ब्रॉयड्री ओके लग गया है ये स्लीव्स का पैच था जो कि ऊपर स्लीव्स पे अटैच किया है और ये फ्रंट का पैच इसका ये एज एट इज़ आ गया इसमें डिज़ाइनिंग क्या ऐड की है हेयर कम डिज़ाइनिंग पार्ट ये देखें इसके जो चौक्स हैं उस पर इस तरह से स्केयर लेस थोड़ा सा जो है ना बीच में गैप छोड़ के वो लगवाई गई है ये इस तरह की कुरेशिए की लेस है और फिर उसके चौक्स पे ये इस तरह से साइड पे डिटेलिंग की गई है पेंक कलर की उसी में से जो है एक वाइब्रेंट कलर पिक कर लिया है और इसके नीचे भी इस तरह से सारी ये नेट टाइप कपड़े की एजिंग लगवाई है साथ को इसको जो है इस तरह से लेस से कवर किया है इस तरह से लेस लगा लेना आपका जो ड्रेस है वो बहुत ही रोबदार लगता है चौक दामन फ्रंट बैक दोनों जगह जो है ये इस तरह से इसके ये डिटेलिंग हुई हुई है ये देखें बैक साइड पे भी यहाँ पे ये और ये अब इसकी ओवरऑल लुक है ये देख लें आप दामन और दिस हेयर कम्स दुबट्टा ये कॉटन नेट टाइप थोड़ा सा अकड़ा हुआ स्टफ़ है इसका बट दुबट्टा इज़ वेरी नाइस प्रिंटेड फ्लोरल प्रिंट का दुबट्टा है ब्लैक के साथ एंड दुबट्टे भी, भी ये जो सारी हमने चॉक्स पे लेस यूज़ की है वो यूज़ की है इस तरह से चारों साइडों पे दुबट्टे के इस तरह से डिटेलिंग हुई हुई है ठीक है अब ट्राउज़र के इसके डिज़ाइन की तरफ आ जाते हैं ये है इसके ट्राउज़र का डिज़ाइन क्योंकि ब्लैक के कलर में है तो आपको मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ ये देखें इस तरह से इस पर लाइन्स लगी हुई हैं सारी और नीचे पाइचे पे और ऊपर इस तरह से ले, लेस लगी हुई है ज्वाइंट लेस भी कहते हैं इसको सीढ़ी लेस भी कहते हैं कुछ लोग सीढ़ी लेस कहते हैं और क्रोशिया की इस तरह से फ्लोर सेल्फ प्रिंट में लेस लगी हुई है ये इस पर सारी जो है वो आ, एंक uh, सिलाइयाँ लगी हुई हैं इसको प्लीट्स कहते हैं बेसिकली और नीचे दामन पे भी दामन सॉरी पाइचे पे भी इस तरह से लेस लगी हुई है सो so, ये थी ये था ड्रेस नंबर वन अगर आप चाहें तो ये जो चौक और दामन की इसकी डिज़ाइनिंग है यू कैन ऐड दिस टू एनी ऑफ योर ड्रेस समर ड्रेस हेयर कर्सा ड्रेस नंबर टू एक्चुअली ये घर में पहनने के सिंपल नॉन के थ्री पीस ड्रेसेज हैं मेजोरिटी ऑफ दम तो मैंने सोचा कि जो स्टिचिंग होकर आए हुए हैं ये बेसिकली मेरे कपड़े नहीं है मेरे भाभी के कपड़े हैं एंड उससे लिए हैं मैंने उसने कुछ डिज़ाइनिंग करके कपड़े अपने समर्स के रेडी कराए थे तो मैंने अपनी भाभी को कहा प्लीज़ गिव दम टू मी आई वॉन्ट टू शेयर फर्स्ट टू माई सब्सक्राइबर्स मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए सारे डिज़ाइन क्योंकि मेरे भाभी के ड्रेस डिज़ाइन्स जो है ना बहुत ही दोनों भाभीियों के बहुत अच्छे होते हैं सो so, ये uh, एक भाभी के कपड़े स्टिच होके आए थे सारे जो है ना उठा के मैं ले आई चुप के मैं ले आई अम्मा के घर से एनी वेज यहाँ पर इसके गले पर जो है ना ये डिटेलिंग हुई हुई है इस तरह से दो लेसिस का यूज़ किया गया है गले पर मैं आपको क्लोजली भी दिखा दूँ इधर एक सिंपल सीढ़ी वाली जो लेस है क्रेशिए की ही, ही होती है ब्लैक कलर में वो लगाई गई है और इधर डबल लेस के साथ डिटेलिंग की गई है गले पर आप अगर क्लोजली देखें तो ये इस तरह से ऊपर से आ रहा है नीचे तक डिज़ाइन और फिर एक इधर लाइन जो है सीढ़ी वाली लेस की और ये थोड़ी सी ये सर्कल्स में लूप्स में बनी हुई इस तरह की लेस है ऊपर से दिखाती हूँ मैं आपको और गले पे ऊपर भी इसके आप देखें सारा अच्छी सी लेस की डिटेलिंग हुई है क्योंकि समर्स में मुझे पर्सनली भी जो है ना इस तरह के टू पीस या थ्री पीस प्रिंटेड सूट सुकून देते हैं जिन पर टसल लगे हुए हों बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड हों तो वो घर में आपको गर्मियों में तो बिल्कुल सुकून नहीं आता यू नीड फ्रेश मतलब एयरी कपड़े हों सिंपल हों सॉफ्ट फैब्रिक हो उनमें ही सुकून आता है समर्स में और ये है इसके दामन दामन में भी जो है ना इस तरह से डिटेलिंग की गई है कि इसको डबल आपने मैंने सॉरी मैंने नहीं भाभी नहीं इसको ये किया कि बीच में से पैच निकाल के उसके बीच में जो है जॉइंट लगाया गया है ताकि एक जो है ना नीचे कपड़े का नीचे से भी फॉल आए वॉल्यूम आए और जो है ना वो रोबदार कपड़ा लगे स्टिच हुआ पहनावा अच्छा लगे सो तो इस तरह से ये देखें ये लेस है जो कि ऊपर गले पे यूज़ हुई थी एक ये लगाया है फिर एक पैच कट करके लगा है और फिर नीचे दूसरा पैच लगा हुआ है और बीच में लेस से इसको ज्वाइंट किया गया है इसका जो दुबट्टा है प्रिंटेड दुबट्टा है इसका सिंपल और उस पर भी चारों तरफ दुबट्टे के लेस लगाई गई है मैं दुबट्टा आपको दिखाती हूँ ये प्रिंटेड दुबट्टा है इसका साथ और इसके दुबट्टे पे चारों साइड साइड पे ये वाली लेस लगी हुई है अगेन ठीक है ये हो गया हमारा ड्रेस नंबर टू और इसका ट्राउज़र भी मैं आपको दिखा देती हूँ सिंपल है बहुत उस पर ट्राउजर पे, पे डिजाइनिंग नहीं है ये कोई आठ नौ इंच का पांचा है इसका ट्राउजर का और बीच में बस ये एक ज्वाइंट लेस लगी हुई है इज द ड्रेस नंबर टू कंप्लीट हो गया अब चलते हैं ड्रेस नंबर थ्री की तरफ हेयर इज द ड्रेस ड्रेस नंबर थ्री और ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है येलो का कॉम्बिनेशन वाइट के साथ हो रेड के साथ हो मेरून के साथ हो आई लव दिस कॉम्बिनेशन सो इसके गले पे इस तरह से डिटेलिंग हुई हुई है ये आप देखें जो है प्लेट्स के साथ ये पैटर्न बनाया गया पहले नीचे गले पे एक प्लेन कपड़ा लगा के और फिर उस पर सारे ये जो है ना मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ प्रॉपरली ये बीट्स लगाए गए हैं वाइट कलर के और इसकी डिटेलिंग की गई है इस तरह से लेस के साथ ये लेसेस बहुत रिजनेबल मिलती हैं बीट्स भी बहुत रीज़नेबल मिलते हैं तो आप कोई भी थ्री पीस प्रिंटेड सूट लेके टू पीस प्रिंटेड सूट लेके इवन शर्ट सिंगल लेके आप उन पर ये डिज़ाइनिंग करा सकते हैं इस जो बकरा ईद है वो वैसे ही गर्मियों में आ रही है शदीद तो इस तरह के कपड़े बहुत सुकूंदे रहते हैं पर्सनली मुझे भी इस तरह के प्रिंटेड सूट्स और कंफर्टेबल फैब्रिक जो कि बस आप सुकून से पहन के घूमते रहें ज़्यादा पसंद है इंस्टेड ऑफ दैट फुल एम्ब्रॉयडर्ड सूट्स बनाती मैं ज़रूर हूँ लेकिन बस फिर वो ओकेजनली ही पहने जाते हैं किसी दावत पर गेट टुगेदर पर घर में या कहीं नॉर्मल आप कैजुअल आ जा रहे हैं तो यू कैन ऑलवेज़ गो फॉर दिस टाइप ऑफ ड्रेसेस सो यहाँ पे ये इसके स्लीव्स का डिज़ाइन है स्लीव्स के डिज़ाइन में इसको जो है आ, वो किया गया है टू पार्ट्स में के डिफ़ाइन किया गया है कि ये ऊपर और नीचे कर। तो का तो इसलिए इसका पैच है वो डिफरेंट लगे और उसके लिए यहाँ पे एक अगेन लेस का यूज़ किया गया है मैंने आपको बताया कि सारे जो हैं सिंपल एलिगेंट और रिजनेबल ड्रेस शेयर के डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ जो कि हर कोई अफोर्ड कर सके और यहाँ पर है इसकी ये लेस फ्रंट बाज़ुओं के फ्रंट पर लगी हुई और इधर देखें दूसरी स्लेस भी ये इस तरह से बनी हुई हैं गले का ओवरऑल लुक इस तरह से है प्रिंटेड सूट है ये फुली और इसके जो दामन है दामन पे चौड़ी वाली जो लेस है इस तरह की इससे डिटेलिंग की गई है लाइक दिस ये देखें ठीक है लेंथ भी देने के लिए अगर आपकी कोई सी आजकल जो कपड़े आ रहे हैं मजोटी ब्रांड्स के अक्सर की जो है ना लेंथ कम होती है तो आप ऐसा से उसको लेंथ जो है एक्सटेंड कर सकते हैं शर्ट्स की ये तो कपड़ा खैर पूरा था डिज़ाइनिंग के लिए ऐड किया गया अदरवाइज अगर आपने लेंथ इंक्रीज करनी है तो यू कैन गो फॉर दिस। और ये है इसके ट्राउज़र का पाइचों पे बस इस तरह से हल्की सी इस पर जो है लेस लगाई गई है अगेन इसको जॉइंट किया गया है और नीचे ये इस तरह से लेस है दुबट्टा इसका सिंपल प्रिंटेड और उस पर इस तरह से ये लेस लगा के ये देखें ये इस तरह से इस पे लगाया गया है पहले चौड़ा रिबन या एप्लिक आप कोई भी कपड़ा लेके उस तरह से इस पे डिटेलिंग करा सकते हैं दुबट्टे पे और ये फिर नीचे इसके बढ़ा के लेस लगाई गई है प्लेन प्रिंटेड सॉरी जो है प्लेन डाइट दुबट्टा है येलो क्रिंकल शेफून का सो so यहाँ पे इस ड्रेस की लुक भी कम्प्लीट होगी अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस ड्रेस की तरफ हेयर का मुस्टा ड्रेस नंबर फोर जिसका डिज़ाइन बाकी तमाम डिज़ाइन से टोटली डिफरेंट है और इसको जो है ये देखें आप ऊपर बॉडी दे के नीचे प्लेट्स डाल के और नीचे फ्रॉक की शेप दी गई है और इसके जो फ्रंट पे है सारे इस तरह से फ्रंट पे बटन्स हैं साथ डिफ़रेंट तरह की ये एप्लिक अंदर यूज़ किया गया फैब्रिक यूज़ किया गया है जिससे थोड़ा सा इस पर जो है गोल्डन का टच आ रहा है थोड़ा सा खूबसूरत टच आ रहा है बेसिकली डिफरेंट टच आ रहा है और नीचे से ये इस तरह से ओपन है मैं अभी आपको दोबारा इसकी जो है वो दिखाती हूँ ओवरऑल व्यू तो आपको समझ आएगी कि ये थोड़ा फ्रॉक टाइप इसका कट है ये देखें अप नो लाइक ये इसका नीचे का पार्ट है ऊपर की बॉडी आ गई और सेंटर में सारे बटन्स हैं और दोनों साइड्स पे प्लेट्स हैं और इस तरह से ये फ्रॉक की लुक दी गई है नाउ मूव टुवर्ड्स द स्लीव्स स्लीव्स पे इसकी हल्की सी ये लेस ऐड की गई है क्योंकि अंडर द बजट सारे क्लॉथ्स बनवाने थे घर में नॉर्मल पहनने के लिए सो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स कोशिश की गई है ना किए जाए और ये इस पर भी और इसके अलावा आप दुबट्टा देखें दुबट्टे भी भी इस तरह से ये सारी डिटेलिंग की गई है और ट्राउज़र के पैंचों पे भी इस तरह से यही फैब्रिक लगा के नीचे और ये डिटेलिंग की गई है जो ऑफिस गोइंग लेडीज़ हैं वो इस तरह के कपड़े थोड़ी सी लेस करके डिटेलिंग करके इस तरह के और यूनिवर्सिटी गर्ल्स जो गोइंग लड़कियां हैं गर्मियों में स्पेशली इस तरह से ड्रेसेस बनवा सकती हैं थोड़ा सा स्टाइल देख के पैटर्न देख के बहुत ही इकोनॉमिकल पढ़ते हैं रिजनेबल पढ़ते हैं अगेन आई एम टेलिंग यू फॉर ऑल एजेस यू कैन गो फॉर दीस ऑल डिज़ाइन जो मैं आपसे अभी शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में हेयर का अनुसार नेक्स्ट अगेन इन ब्लैक ब्लैक कलर प्रिंटेड है uh, सारा सूट थ्री पीस ओवरऑल ऐसे है और बस इसमें जो डिटेलिंग की गई है वो ये किया है कि सेंटर में ना इसके इसी तरह इसी फैब्रिक के बटन लग बनवा के वो पूरे नीचे तक इस तरह से लगवाए गए हैं और जो स्लीव हैं उस पर ये अगेन इस तरह से लेस लगवाई गई है जॉइंट लेस तीन जगह बेसिकली जहाँ से आपकी जो है एल्बो स्टार्ट होती है एक जॉइंट उधर दिया गया है इस तरह से लेस को यूज़ करते हुए फिर नेक्स्ट जॉइंट इधर गया है अगेन लेस को यूज़ करते हुए तीन जॉइंट्स हैं एल्बो से स्टार्ट होते हैं तकरीबन एक इंच इस तरह से गैप दिया गया है फिर फिर लेस को जॉइंट लेस को लगाया गया है इस तरह से फिर लेस जो है एक जो है उसी कपड़े में से फैब्रिक लगाया गया है इधर एंड देन अगेन नीचे जो है जॉइंट लगा के और नीचे एंड में इस तरह से चौड़ी वाली लेस जो है डेढ़ से दो इंच की वो यूज़ की गई है सो so, ये हो गया इसकी शर्ट का स्लीव्स और ओवरऑल uh, लुक और अब हम हाँ आ जाते हैं दामन की तरफ दामन में अगेन इधर ये देखें लेस का यूज़ किया गया इस तरह से आपको क्लियरली uh, नज़र आ रही होगी ये एंड नाउ अगेन हेयर दामन पे फिर अगेन चोड़ी वाली लेस जो स्लीव पे लगी थी वो दामन पे भी बढ़ा के लगाई गई है ऊपर नहीं रख के लगाई इसको बढ़ा के लगाया है हमने और इसका ट्राउज़र अगेन इस तरह से बनाया गया है ब्लैक ट्राउजर्स तो आप दो तीन ब्लैक ट्राउजर्स और तो दो तीन वाइट तो आपके पास सीजन में होने ही चाहिए और एक फोन कलर का ताकि जो है वो आपके हर दूसरे ड्रेस की तरफ साथ चल सकें ये लेस लगाई गई है इस तरह से और जॉइंट किया गया फिर एक डेढ़ इंच का पैच है और उसके बाद नीचे फिर एक डेढ़ इंच की लेस है इस तरह से ट्राउज़र है और इसके दुबट्टे पर भी चारों साइड पर डिटेलिंग की गई है लेस के साथ ही इस तरह से बेसिकली ये होता है कि आप एक दो दफ़ा ये ड्रेसेस बाहर पहन लेना तो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई हो या कोई ऐसा से डिजाइनिंग हुई हुई हो तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं सिंपल सिंपल ड्रेस में जो है ना वो रोप भी नहीं आता लेके आप ऐसे ही प्रिंट को जो है स्टिच करा लें जब तक डिजाइन ना हुई भी हो ड्रेस में और थोड़ी सी लेसिस ना ना हो तो ड्रेस की जो है ना ओवरऑल लुक नहीं निकल के आती अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ तो यहाँ पे मैं यहाँ आज की वीडियो एंड करती हूँ आई होप आपको मेरी ये जो ड्रेस डिजाइनिंग की वीडियो है अरजान का छोटा सा मिनी बर्थडे वी लॉक वो पसंद आया होगा आ, बस ऐसे ही हम बर्थडे सेलिब्रेट करते से हैं सिंपल तरीके से आ, वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा आई एम गोइंग टू टेक माई मेकअप ऑफ कपड़े चेंज करूँगी नमाज पढ़ूँगी और फिर थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी बिकॉज़ आई एम फिलिंग टायर्ड एक्चुअली तीन बज गए मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लगी थी आपके खाना बनाया सिंपल सा और अब मैं फ्री हुई हूँ बस फटाफट कपड़े बदलती हूँ नमाज़ पढ़ती हूँ और आप वीडियो को एंजॉय करें लेट्स गो एंड हैव अ लुक एट वीडियो सी यू नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम अपना खूब सारा ख्याल रखें टेक केयर ऑफ योर सेल्फ अल्लाह हाफिज़